अग्निपथ नियुक्ति योजना को विरोध करी विभिन्न राज्य में हिंसात्मक आंदोलन तेजीबारे लागिछि। सेना बाहिनी रे नियुक्ति पई सरकार को हिनुआ योजना को विरोध करी प्रथमे बिहार रो आरंभ होइतिबा आंदोलन एबे उत्तर प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश एवं दिल्ली को व्यापिछि। विभिन्न स्थान रे ट्रेन रे निया लगाई दैथिबारु रेल सेवा व्याहत होइछि। आंदोलनकारी माने रास्ता एवं रेल रोक करिछन्ति। आंदोलन पई बिहार रे 22 टी ट्रेन बातिल करा जैछि एवं 29 टी ट्रेन चलाचल प्रभावित होइछि। सूचना अनुयायी सरकार अग्निपथ नियुक्ति योजना अधीन युवपीढ़ी को सेना रे 4 वर्ष नियुक्ति मिले। 4 वर्ष पर आर्थिक सुविधा और नियुक्ति सुजोग मिल सूचना देखते प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तबे कौन अच्छी अग्निपथ रे अभी तक जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, जैसे कि जाम लगा रहे हैं, कोई बस स्टैंड पर जैसे कोई बस के साथ तोड़ फोड़ की है, तो हम समझा बुझा के इनको जो कोशिश कर रहे हैं भाई। जिस तरह लोगों की गिरफ्तारी हो पाई अभी तक इस बारे में मेरे को नहीं, गिरफ्तारी का पता नहीं अभी जो ना क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम तो फील्ड में ही अभी जगह जगह ये जो ना जाके जाम लगा रहे हैं और कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो 144 का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं। जब जा रहा है लगाई जा चुकी है सर, लगाई जा चुकी होगी। आज जो 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर युवाओं को भर्ती की जा रही है, गुलाम बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए, परमानेंट भर्ती की जाए। मैं संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की तरफ से हूँ, संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति। हमारी जो मांगे हैं कि इस योजना को वापस लें और परमानेंट भर्ती करें। सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। कौन अच्छे अग्निपथ रे? अग्निपथ योजना रे 4 वर्ष पई सेनारे नियुक्ति, 17-23 वर्ष बयस युवकों पई सेनारे सुजोग। प्रथमे बयस सीमा 17-21 थिला, गतकाली बयस बढ़िछि बा बयसर सीमा को वर्तमान वृद्धि करा जाइछि। 4 वर्ष परे 25% सैनिक सेनारे ही रहिबे, बाकी 75% सैनिकों को राज्य पुलिस रे नियुक्ति पई अग्राधिकार दिया। कठिन प्रशिक्षण और श्रृंखलित सैनिक 4 वर्ष पर पाइबे अग्निवीर सर्टिफिकेट। एही सर्टिफिकेट आधार रे पुलिस और अन्य सहयोगी बाहिनी रे नियुक्ति पाइबे। अग्निपथर प्रथम वर्ष 40,000 नियुक्ति, 7-8 वर्ष रे वर्षक 1,20,000 नियुक्ति, 10-11 वर्ष रे 1,60,000 नियुक्ति, 22 रे नौसेना रे 3,000 नियुक्ति। सेनारे युवकों को प्राधान्य देवा उद्देश्य रे होछि अग्निपथ। एवं सेनारे हाराहारी बयस 32 रही, 6-7 वर्ष पर सेनारे सैनिकों हाराहारी बयस हम 24-26। 50 वर्ष पर देशर जनसंख्या अनुपात में वयस्क अधिक थे, किंतु सैन्य केवल युवक थे। प्रथम वर्ष अग्निवीर को मिल 30,000 दरमा, चतुर्थ वर्ष मिल 40,000 दरमा, 4 वर्ष पर 11,71,000, 4 वर्ष पर अग्निवीर कुशल सर्टिफिकेट। युवकों आर्थिक स्वावलंबी करने को यह योजना हो 2013 सर्वे अनुसार 2% रु कम युवक 12,00,000 जमा कर पारती ना। अग्निवीर किंतु 25 वर्ष से आर्थिक स्वच्छल हो पारे। अग्निवीर पाठपढ़ाई इग्नो सह एमओयू कर तीन सेना। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़वार सुजोग मिल, 3 वर्षिया डिग्री कोर्स करें अग्निवीर। अग्निवीर ईपीएफ पीएफए सुविधा ग्रेजुएटी और पेंशन व्यवस्था रहा एलआईसी 48,00,000 बीमा व्यवस्था अग्निवीर थी देहांत 44,00,000 क्षतिपूरण व्यवस्था होगा।